आईलेट एग्जामिनेशन फॉर एन एल यू दिल्ली जो टेंथ ऑफ डिसम्बर को होने वाली है जिसका टाइमिंग है ग्यारह से लेकर एक बजे तक उसका एडमिट कार्ड जो है वो आउट हो चुके हैं गाइस सो so, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एनएलयू दिल्ली की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए जो आईलेट एग्जामिनेशन अपियर करने वाले तो गाई सबसे पहले आपको आपके एग्जाम सेंटर में एटलीस्ट वन आवर पहले जो है वो पहुंच जाना है एंड किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा आफ्टर इलेवन फिफ्टीन सो मेक श्योर करिए कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे वन आवर के पहले ही पहुंच जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का पैनिक या फिर लास्ट मोमेंट पे किसी भी तरीके का आपको एनजाइटी या डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो रही बात टाइमिंग्स की तो उन्होंने बताया है कि कैसे बेल्स होने वाली है और किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो बताए जाएंगे सो मेक श्योर करिए कि आप एटलीस्ट जो है टेन थर्टी तक सेंटर में पहुंच जा रहे हैं एंड आपको अलाउ किया जाएगा टेन थर्टी को इन द एग्जामिनेशन रूम टेन फोर्टी फाइव को जो है आपको सील्ड एम्बुल्स मिलेंगे जिसमें आपका क्वेश्चन बुकलेट्स एंड ओ एम आर रिस्पॉन्स शीट होगा एंड सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको इन्विजिलेटर्स एक्सप्लेन करेंगे कि मार्किंग कैसे करना है डिटेल्स कैसे फिल करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइज बिकॉज इसमें रोल नंबर एंड अटेंडेंस शीट पे मार्किंग कैसे करना है रिस्पॉन्स शीट में कैसे डिटेल्स कहाँ पे फिल करनी है कैसे सर्कल करना है ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे सो मेक श्योर करिए इसको आप एकदम ध्यान से सुन रहे हैं समझ रहे हैं एंड अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो सीधा इन्विजिलेटर को पूछिएगा किसी और को नहीं पूछना है इलेवन ओ क्लॉक को एक लॉन्ग बेल होगी मतलब कि एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो गई है इलेवन फिफ्टीन के बाद एक अगेन इलेवन फिफ्टीन को बेल होगी जिसके बाद किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ट्वेल्व नून को मतलब शार्प एक घंटे के बाद एक शॉर्ट वार्निंग बेल होगी जो आपको एक इंडिकेशन देगा कि आपके सिक्सटीन मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद सीधा नेक्स्ट बेल होगा 12:50 को जो एक शॉर्ट वार्निंग बेल होगा कि सिर्फ 10 मिनट बाकी है आपके पेपर खत्म होने के लिए सो so, जिसे हम वार्निंग बेल बेल बोल सकते हैं एंड को अगेन एक लॉन्ग होगी मतलब कि आपका पेपर जो है वो खत्म हो गया है आफ्टर वन ओ आपको अपना जो ओ एम शीट है वो इन्विजिलेटर को देना है गलती से भी अपने साथ कैरी नहीं करना है बिकॉज दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस अब रही बात कौन से कौन से आइटम हमें एग्जामिनेशन हॉल में कैरी करने के लिए अलाउड है तो सबसे पहले ब्लैक या तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन अलाउ कर गया है नो जेल पेन नो इंक पेन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मेक श्योर करिए आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो लेके जा रहे हो उसकी कॉपी जेरोक्स कॉपी आपको निकाल के जानी है एंड उसके आगे पीछे कहीं पे भी कुछ भी मत लिखिएगा सिर्फ एडमिट कार्ड का जेरोक्स एंड उसके साथ साथ एक फोटो आईडी प्रूफ एंड फोटोग्राफ्स कंपलसरी है फोटो आईडी प्रूफ से आपका वेरिफिकेशन होगा कि कैंडिडेट जिसका फोटोग्राफ और डिटेल्स एडमिट कार्ड में है क्या वो वही कैंडिडेट है कि नहीं, इसे में ही करिएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल बोला गया है is allowed, तो मतलब कि किसी भी ऐसा बॉटल जो स्टील वगैरह का है ऐसा कैरी मत करिएगा। आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ना ही आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैरी करने हैं स्पेसिफिकली डिजिटल वॉचेस मोबाइल फोन ब्लूटूथ इन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है गाइस बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेटर कैरी कर सकते हैं तो स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है कौन से गैजेट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एनालॉग वॉचेस विल बी अलाउड मतलब कि जो डायलर वाले नॉर्मल वॉचेस होते हैं सिर्फ वही टाइप ऑफ वॉचेस को अलाउ किया जाएगा कोई भी तरीके का सेलो का वॉचेस या फिर तो केशियो के वॉचेस जो है अलाउड नहीं होगी उसके बाद इंस्ट्रक्शन ओ एम आर शीट में आपको आपकी डिटेल्स जो है वो फिल करनी है आपको बबलिंग करना होगा सर्कल्स को जो है वहां पे कंप्लीट जो है ध्यान से फिल करिएगा बिकॉज अगर उसमें एरर हुआ तो फिर आपका रीडिंग नहीं हो पाएगा रोल नंबर का आपका पेपर 150 मार्क्स का होने वाला है 150 क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश में आने वाले हैं पैटर्न यहाँ पे वही बताई गई है किसी भी तरीके का मेक श्योर करिए कि अगर आपका एनवलअप सील्ड नहीं है या उसमें कोई भी चीज डैमेज है या प्रिंट नहीं हुआ है तो उसी वक्त जो है आपको आपके इनविजिलेटर को बोलना है कि आपको दूसरा सील्ड प्लास्टिक दोनों मिलेगी तो अगर क्वेश्चन बुकलेट में कोई पेज इनकम्लीट है प्रिंट नहीं हुआ है तो फिर दोनों चेंज होंगे क्वेश्चन पेपर एंड ओ एमआर शीट ओ एमआर शीट पुराना वाला यूज नहीं करना है ठीक है उसके बाद जो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो शीट होगी उससे किसी भी तरीके से फोल्ड व्रिंकल नहीं करना है ना ही कहीं से स्टेपल करना है या फिर उसके ऊपर कोई भी टेर और वेर नहीं होना चाहिए सर्कलिंग के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सर्कल जो है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि उसका रीडिंग हो सके रॉन्ग मेथड्स दिए गए हैं कि डबल सर्कलिंग नहीं होना चाहिए एंड क्रॉस मार्किंग भी नहीं होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी भी तरीके का क्लरिफिकेशन चाहिए तो अलाउड नहीं है शार्प वन ओ क्लॉक को आपको लिखना बंद कर देना है एंड देन आपके सारे क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स है जब तक सबका ओ एम आर शीट नहीं कलेक्ट कर लेता है तब तक नहीं होता है सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन जो है एन एल यू दिल्ली के द्वारा इशू किए गए हैं बी एर यू केयर विशेष यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन